आग जो लागी समुद्र में, जरे सकालो झार, पूरब पश्चिम के पंडिता मुए विचार विचार। साथियों, आज के इस समय में आपके सामने मैं ला रहा हूँ भक्ति आंदोलन के मुख्यधारा से गुजरने वाले एक इनकलाबी संत कबीर की, जिनको क्या कहा जाए, 1456 विक्रमी या 1399 में 13वीं सदी से 15वीं सदी के बीच में, वैसे भक्ति भावना से सुन्न मेरे इस धरती का एक भूभाग, जहाँ क्या कहा जाए, ऐतिहासिक सत्य है कि द्राविड़ से भक्ति लाए उठा करके स्वामी रामानंद जी काशी में, बहुत ऊंचे ज्ञान के व्यक्ति थे। उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया, लेकिन क्या कहिएगा, उस कबीले में एक ऐसा भी लड़का गया जिनको हम लोग कबीर के नाम से जानते हैं। और वैसे कबीर की आर्थिक कोई खास नहीं थी, एक जुलाहे के घर में पला पोसा। वैसे तो क्या कहा जाए, संत बहुत हुए, लेकिन एक एक करके अगर विचार किया जाए तो उन महान संतों का आना एक सुसंपन्न परिवार में हुआ है, ये बात सत्य है। जैसे भगवान बुद्ध राजघराने में, महावीर राजघराने में, और संत जो आए हैं, एक अच्छी खासी सुविधाओं के बीच में पले बढ़े, पाए दिए, परंतु ये सब एक भी मजबूरी कबीर के पास में नहीं थी कि कुछ था उनको आधार, बस वही काशी के बुनकर मंडली में चादर कपड़े को बीनना, बाजार में बेचना, उससे अपनी जीविका और रोटी को चलाना। उसी के बीच सौभाग्यवश एक कबीर भी आए, जो बड़ी अथक परिश्रम करके इस आश्रम में पहुंचे थे। हालांकि इनको शिष्य में सीधे स्वीकार नहीं किया गया, कुछ इनको उसके लिए संघर्ष करना पड़ा और इन्होंने गुरु धारण किया और मेरे ही समाज में एक अच्छे ज्ञान का लाने का जिम्मेदारी अपने सिर पर बहन करी, और बहन भी करी। तो इस मामले में आप लोगों को मालूम है कि उदाहरण के लिए मैं एक शब्द कबीर के आपके सामने रखता हूँ, जिस शब्द पर गौर कीजिएगा, शायद व्याकरण से बाहर है वह, सात समंद की मसी करो। वहाँ समुद्र का उच्चारण समंद किया है, सोच सकते हैं शिक्षा की क्या उपाधि रही होगी। इतना ही नहीं, वो अपने जीवन गाथा में ये भी कहने की प्रयास करी, कागज कलम छुयो नहीं, मसी लियो नहीं हाथ। तो एक बात सोचने की है, एक अपर व्यक्ति के इस पंक्ति में क्या था जो पढ़े लिखों ने इस पर पीएचडी की है। इसी को कहा आग जो लागी समुद्र में, उल्टी बात, एक अपर व्यक्ति के शब्दों पर पढ़े लिखों ने रिसर्च करके और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, यही एक कबीर के पीछे आश्चर्य है। एक छोटी सी किताब है बीजक, कई 11 प्रकरण में है, लेकिन उसके एक एक शब्द पे अगर आप तजवीज किया जाए आज, तो मेरे ख्याल में भारत के धरती पर एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए, आपको डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त हुए, अभी हैं प्रेजेंट में
प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल या JNU की कोई भी प्रोफेसर ऐसे क्यों ना हो, अगर एक किसी अन्य विषयक साहित्य को लिख जाते हैं तो उसके किसी न किसी पन्ने में आपको कभी दौड़ते नजर आएंगे, चूंकि प्रासंगिक है। क्या कहें, प्रासंगिक है। और हमको ये कहने का क्या जरूरी पड़ा कि उस किताब के पन्नों में कबीर दौड़ता नजर आएगा। एक प्रबंध काव्य है जो शायद श्री रामचरितमानस के नाम से आप लोगों के बीच प्रचलित है, बहुत बड़ी किताब है, बहुत बड़े विद्वानों का शोध किया हुआ है। ठीक है, शोध किया हुआ है, लेकिन हम जिस पैरालल में बैठे हुए हैं इससे आपको गप कर रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी साहित्यिक गप नहीं है, न तो हम उतने मेरिटोरियस लोग हैं। थोड़ी सी विचार करें, हमने जो कहा कबीर उस पन्ने में दौड़ रहा होगा। एक बार की कहानी है, अंगद श्रीलंका गया और रावण को चुनौती दी, उनके धरती पर अपने पांव को रख दिया, कहा अगर तुम्हें हिम्मत हो तो इसको उठा के देखो। तो क्या सचमुच रावण या रावण के कोई ऐसे सेना रहे होंगे जो उनके पैरों को नहीं उठा पाया? ये तार्किक आपको लग रहा है, लेकिन रामायण सत्यापित कर रहा है। अगर इस सेंस को आप सीधे लेंगे आपको कृपया कबीर के पास आना होगा। क्या तो कबीर तो एक निर्गुणवादी संत थे, बस इनका है भाव प्रेम भक्ति ध्यान। और ध्यान शब्द भी एक बहुत बड़ी जटिल गप है, यह मेडिटेशन, और इस मेडिटेशन का मूल रीढ़ होता है अपने ही अंतर मन को सीमेंट के, अंतर के ही उस बेस पर एकत्रित करके पहुँचे, और जो मन दुनिया में बिखरी पड़ी थी उसको अपने अंदर में सिपेटने के बाद उसमें ऊर्ध्वगति होती, और वह मन में, उस मन में, ध्यानस्थ मन में एक शक्ति होती है, जो शक्ति आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटी सी, महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये बहुत कम बोलते थे, सोच विचार करके सामने वालों को जो एक शब्द कहते थे उसका बहुत बड़ा असर पड़ता था, क्यों, अपने मन को जीते हुए लोग थे। ये भुदानी विनोबा जी थे तो बहुत बड़े विद्वान, जोगी ऋषि भी रहे थे, अध्यात्मवादी भी रहे थे, लेकिन एक चीज आपको सोचना होगा, जब उन्होंने अपने मन में धारण करी कि गरीबों के लिए कुछ जमीन संग्रह करना है, तो इस जेब में स्टाम्प, इस जेब में निशान लेकर के चले थे गांव गांव में, जिनको बहुत ज़्यादा जमीन है, तो उन्होंने क्या किया, तो उनके आँख पर अपना आँख ऐसे बैठा करके कहा, साहब आपके पास तो बहुत ज़मीन है तो थोड़ी मुझे गरीब के लिए दे दे। तो अब इनका आँख जो उनके आँख पे टिका हुआ था तो उनकी अंदरूनी शक्ति को सीमेंट करके ये अपने में ले लिए थे, और यह जो बोला वहाँ पॉजिटिव, हाँ मिली, हाँ हजूर, एक बीघा, दो बीघा, नौ बीघा, जिसके पास में जैसा था, और तुरंत स्टाम्प निकाल के दिए, साइन करा लिए। चलिए ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक मनोनिग्रह के समर केंद्र पर पहुँचे हुए पुरुष की दृष्टि एक आम आदमियों की दृष्टि पर पड़ने के बाद उसके दृष्टि को, उसके मनोभाव को, उनके साइकोलॉजी को अपने में जीत लेता है, और जीतने के बाद उसने जो कहा वही कहा। तो इस मामले में आप सोच सकते हैं कि अंगद भी एक बहुत बड़ा जोगी रहा था, हो सकता है लंका के धरती पर यह पैर रखा और मन में सोच रखा होगा कि मैं धरती हूँ, तो क्या, तो धरती हूँ, तो उसके मन, उसके पिंडी मन को अपने ब्रह्मांडी मन में सीमेंट करके जैसा अनुभव किया, तो क्या धरती को रावण या उसका सेना उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। और उदाहरण आ रहा है आपके सामने में, द्रुवाचार्य सी गए थे द्रौपदी को जांचने के लिए, वो भी दो चार पाँच दस आदमी के साथ में, हाँ भूखे हैं खाना खिलाओ, तो अब यह ऋषि की वाणी थी, द्रौपदी के हंडी में थोड़ी सी भात बचा हुआ था, अब ये क्या करें। तो इस विकट परिस्थिति में कृष्ण को उन्होंने आवाज़ लगाई, कृष्ण जी आए, तो अब तो प्रतिष्ठा बचाना है, तो कृष्ण जी तभी खा पी करके हाथ मुंह धोए थे, तो खाए पिए लोगों का पेट भरा हुआ रहता है, उसको डकाराते ही रहता है। ठीक है, अब कृष्ण भी तो एक बहुत बड़े महाजोगी थे, इसमें कोई कसर नहीं, तो संतों से उन्होंने आग्रह किया कि थोड़ा सा चलिए समुद्र में स्नान कर लें,
उसके बाद आके भोजन करेंगे। सबको ले गए समुद्र में स्नान करने के लिए, पानी में डुबा के खड़ा करके अपने पानी में मुंह डुबा करके डगाड़ दिया। अब उन तमाम समूह में जो थे उनके पिंडी मन को ही अपने में जीत लिया, डकार किया, तो सबको डकार आया, तो सबका तो पेट भर ले, तो फिर खाएगा क्या यहाँ, ऐसे प्रतिष्ठा को बचाया। तो हमको कहने का ये मतलब है, ये निर्गुणवादी विचारधारा में आने वाले संत जो कबीर थे, इनकी जो ज्ञान है, इनका जो सिद्धांत है, इनका जो योग है, इस माध्यम से बहुत सारी साहित्य आपको अधूरी नज़र आएगी जब तक इनके भाव से उनका अर्थ न करें। हमने इसलिए कहा, आज भी कोई अगर साहित्य लिख दी जाए तो हो सकता है उसमें कबीर के सिद्धांत विचार कुछ न कुछ मिलेंगे। अब इसे क्या कहिएगा, हम लोग इस बिहार के धरती पर हैं, बिहार ही नहीं भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ इनके गाथाओं को गाया जाता है, गाया ही नहीं जाता है। अभी अभी पंजाब की वह एक प्रोफेसर है बेंगलुरु में, शबनम बिरमानी, या आपको मध्य प्रदेश के हैं प्रहलाद सिंह टिपानिया, इन लोगों ने एक अच्छी अजब शहर कबीर यात्रा नाम से फिल्म बनाया है और इसकी झांकी उन्होंने देखिए ना आपको, ये जितने भी सूफी कवाल हैं कराची में, इस्लामाबाद में, क्या प्रेम और अनुराग में कबीर के शब्दों को गाया गाया जाता है। सुनिएगा, सुनते रह जाएंगे हम लोग इतना अनुराग और प्रेम से। तो ये सर्वव्यापी वाणी है, कहने का मतलब है। अच्छा आइए, व्यक्तिगत हम लोगों को कबीर ने क्या दिशा दी, जरा सा विचार करें। कहा भूले लोग मूर्ख होते हैं, अहमक, अहमक का अर्थ होता है नहीं समझने वाले। भूला वे अहमक ना दाना, जिन हरदम राम ही ना जाना, बरबस आनी के गाय पछारी, गरा काट जीव आप लिया, जीवत जीव मुर्दा करी डारे, ताको कहत हलाल हुआ। अब ये हलाल वाली बातें आती हैं। वैसे तो हलाल हराम दो शब्द हैं, हलाल कहते हैं पाक एवं पवित्र काम को, तो उसी के श्रृंखला में ना आ गया, जिन जानवरों का हम हत्या करते हैं तो उसको ऐसे हम ऐसे ऐसे जो काटते हैं तो ये हलाल हो गया, ऐसे अगर काटते हैं तो ये हराम हो गया। भूला वे हम अकना दाना, जिन हरदम राम ही न जाना, बरबस यानी के गाय पछारी, गरा काट जीव आप लिया, जीवत जीव मुर्दा करी डाले, ताको कहत हलाल हुआ। देखिए हलाल शब्द के अर्थों का उपयोग या दुरुपयोग जो भी कुछ कह दीजिए। अच्छा तो एक चीज है हलाल हराम, देखिए कबीर ने पक्षपात नहीं किया, आप इनको किसी भी मत पर्थ और धर्म में नहीं बांध सकेंगे। कहा हिंदू की दया और मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, ए हलाल वह झटका मारे, आग दोनों घर लगी। हिंसा की आग दोनों घर में लगेंगे, हिंसा नहीं करनी चाहिए। आइए, हिंसा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक चीज और मैं आपको समझा रहा हूँ, पाक नपाक। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं मांसाहारी होते हुए भी एक शीशी में पानी रख के पेशाब को जाते हैं, क्योंकि वह नापाक है मांसाहारी। जाही मांस को तू पाक कहत है, ताकि उत्पत्ति सुनो भाई, रज बीज से मांस उपानी, सो मक न पाकी तुम खाई। कहने का भाव ये है कि हिंसा और अहिंसा वह हमारे अंतर की उपज है, पाकी नापाकी भी अंतर का ही उपज है। शायद हमने किसी और वीडियो में बोला था कि सफाई, सफाई बाहर का सफाई उतना मायने नहीं रहता है, नहीं रखता है। कारण वैसे तो हमारा दक्षिण ज्यादा जाना होता है,
तो खगड़िया जिला में तो गंगा नदी बहती है ना, तो एक तो हाल फिलहाल एक महीना पहले कोई एकादशी क्या कोई पावन गुजरी है, इससे पहले भी वो खरना वगैरह में महिलाएं सब झुंड का झुंड बना के गई गंगा स्नान करने के लिए। तो एक जहाँ हम थे वहाँ से भी एक परिवार से गई थी, तो वो लोग जो नहा के आई उधर अपने ट्यूबवेल पर जो स्नान कर रही थी, तो उनको पूछे कि भाई ये गंगा स्नान करके आई हैं आप लोग, फिर देखते हैं ट्यूबवेल पर स्नान करी। कहा नहीं 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 इतना इतना बड़ा पैखाना का पोता बह रहा था तो फिर इसमें नहाएंगे, तो कहा शुद्ध वहाँ से कि यहाँ से, ये मेरे मन का भ्रम है। एक तो ह्यूमन मेकर हैं हमारे पूर्णिया में धर्मस्वरूप साहब, बड़ा अच्छा शब्द गाते हैं, छोड़ो मन के भ्रम करो उत्तम कर्म। इस मन के भ्रम को छोड़े और उत्तम क्रिया को अपनाएं, सफाई इसकी वही होगी। बाहर जो गंदगी है रहने दीजिए, उसकी चिंता आप कम कीजिए, लेकिन सबसे पहले दिल के हुजरे साफ कर। अंतर में जो मल है, अंतर में जो गंदगी है, इसको साफ करना, ये मेरी नीति होनी चाहिए, मेरा धर्म और मेरा फर्ज होना चाहिए। ये है कबीर के आपको सीधा उपदेश। चाहे ऐसे हिंसा करें चाहे ऐसे करें, करना दोनों। हाँ एक चीज़ हम और कहने के लिए आपको जा रहे थे कि कहीं कहीं हम सुने हैं अपने कानों से, कहा अगर मछली नहीं खाएंगे तो धरती पर केवल मछली ही मछली रह जाएगी, अगर मांस न खाएं तो आदमी के संख्या से ज्यादा बकरियों की संख्या हो जाएगी। लगता है जैसे ये कहने वाले सृष्टि का ठीका ले रखा है, अपने तरफ उनकी दृष्टि नहीं है और दुनिया का वह गणना करने के लिए जा रहे हैं। आपके लिए क्या उपयोगी है जरा सा आप विचार करें ना। आज 2 दिन में मेरे पास में 2 बवासीर के पेशेंट आए और दोनों मांसाहारी जात से थे। उनको हमने ये आग्रह किया कि आपका भोजन क्या है, क्या आप भोजन को नरम कर पाएंगे। वो दोनों रुक गया रास्ते में ही, कहे तो दोनों मांस मछली का प्यारा आदमी था, वो हार्ड डाइट होता है, अगर उतनी इनसे इंटेंसिटी हमारे लीवर को नहीं है, उसको पचाने की क्षमता, तो मेरा पेट का GIT गड़बड़ाता है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक गड़बड़ाता है, जिससे कब्ज की बीमारी पैदा होती है, जिससे गैस की बीमारी पैदा होती है, और इन दोनों का निदान अगर वह बहुराष्ट्रीय कंपनी की दवाई ऐसी लॉक खा के उसको जज्ब करता है तो बाद में भैन में सूजन होकर वह पाइल्स बन जाता है। अब पाइल्स बनता है तो ब्लड पाइल्स जो खूनी बवासीर जो होती है उसकी भी इधर से दवाई जड़ी बूटी खा के उसको भी दवा लेने के बाद होता क्या, उसमें एक मसा हो जाता है जो मसा काफ़ी दिन तक, और नस का सूजन है। हम देख रहे हैं कि भोजन मेरे लिए क्या उपयोगी है। एक तो मानव को बनाया है सृष्टि ने, इसको शाकाहारी के नाम से बनाया है, मांसाहारी के नाम से नहीं बनाया है। कारण है हर एक मांसाहारी प्राणी के बनावट ही अलग हुआ करता है। जैसे कुत्ता बिल्ली बाघ ये जितने भी हिंसक प्राणी हैं मांसाहारी प्राणी हैं, इनके दांत का बनावट गजब मिलेगा आपको, नुकीला मिलेगा। अय्या तो इसको खा के जीने वाला अगर वह प्राणी इस सृष्टि में है तो उसका ये भी क्षमता होगा, लेकिन जो क्षमता और जो बनावट हमारे पास में नहीं है, मैं उसके पीछे दौड़ लगाऊंगा तो ये शरीर में अनबैलेंस हो जाता है, उसको संभालना बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा चलिए, यह सृष्टि भी तो भूमंडल भी तो बहुत बड़ी है, अब हम आपको यहाँ समझाएं कि मांस मछली नहीं खानी चाहिए, तो फिर लक्षद्वीप अंडमान निकोबार में लोग क्या करेंगे, उनका जन्म उसी धरातल पे हुआ, उनका जो भोजन है वो करें। अभी आपके समाज में है एक एक किसान बगल के गांव टपड़ा में 15 मन 16 मन 17 मन का एक कट्ठे में आलू उगाता है, जिस आलू को शौक से हम लोग छजी में रख देते हैं साल भर सब्जी खाने के लिए, अगर चाहें उस मांस मछली को 4 दिन रखने के लिए तो वह श्मशान जैसा महकेगा, दुर्गंध मारेगा। उसका क्वालिटी भी अपने आप में विचार कर लीजिएगा, क्या क्वालिटी है, इसमें क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। इसी ओर कबीर ने सज्जनों कहा, सबसे पहले इस मन को बनाने के लिए, मन का बेस होता है अन्न, जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, अन्न जितना शुद्ध साफ सुथरा और शाकाहार रहेगा,
आखिर मन का भी तो बहुत बड़ा संबंध अन्न से है, मन का भी बहुत बड़ा संबंध इस शरीर से है, मन का भी बहुत बड़ा संग हमारे संस्कार से है। जैसा हम इस धरती पर जीवन जीना चाहेंगे वही संस्कार मेरे अंदर में, वही संस्कार इस मन का भी आधार है। इसीलिए प्रायः साधु संतों ने इस संग पर जो जोर दिया है, इसीलिए संगत, संगत से सठ सुध रही सत संगति जाई, पारस परस कुघात सुहाई। जरा सा विचार करेंगे, जैसे कहावत में है कि पारस में लोहा के स्पर्श से वही सोना बन सकता है, उसी भांति कहा सठ सुध रही सत संगति पाई। अगर हम सठ हैं, हम अज्ञान हैं और थोड़ी सी हम अपने में ये साहस करते हैं कि मैं संगति में जाऊं, सज्जनों के संग में जाऊं, जिसको अभी के भाषा में साहित्य कहा जाता है, सत्संग कहा जाता है, तो वहाँ ज्ञान विवेक की प्राप्ति होती है। तो क्यों नहीं अपने जीवन चर्या से कुछ समय निकाल करके मैं वह भी करूं, वैसी भी संगत को अटेंड करूं, वहाँ से मैं कुछ पाऊं, सीखूं। इसी समाज का क्रिएशन जो होगा ना, उत्तम क्रिएशन होगा। आज मान करके चलिए सत्संग, अब विचार कीजिए सत्संग का देन थोड़ी सी। यह एक विशेष जाति हमारे देश में, हमारे समाज में है, जिनको लोग साधु कहते हैं, ठीक है। हालांकि इनकी टिप्पणियाँ भी बहुत सारी हो रही हैं अभी, लेकिन चलिए ठीक है, जहाँ की बात है वहाँ है। लेकिन व्यक्तिगत सत्संग दो प्रकार का होता है, एक बाह्य सत्संग, एक आंतरिक सत्संग। बाहरी सत्संग में आप किसी सभा में जाते हैं, कोई महापुरुष अपने कमाए गए ज्ञान में से कुछ आपको बोध देते हैं, शिक्षा देते हैं, अगर आप उनके अनुकूल चलते हैं तो फिर आपका जीवन धन्य होता है। एक होता है अंतर सत्संग, अंतर सत्संग। तो अंतर सत्संग के लिए भी आपको उस सज्जनों की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको ऐसी युक्ति और ऐसी बुद्धि बताएंगे। ऐसी युक्ति और बुद्धि बताने के बाद उस आधार पर यदि आप ध्यान और साधना करते हैं तो आत्म शांति का सबसे श्रेष्ठ रास्ता यही है और कोई नहीं। चाहे आप जो कुछ भी पढ़ लें, लिख लें, गुन लें, वैसे कहा कबीर ने, पढ़े लिखे क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समुझ मन बोरा हो। कहने का क्या प्रयोजन था, पढ़ लिख करके बहुत बड़े बने, अगर हमारे अंदर में थोड़ी सी चारित्रिक खोट पाई गई तो वह पढ़ा लिखा हुआ सब क्या हो गया, 40 मन घृत जाम के टिपका कियो विनाश, 40 मन दूध के दही को आप परस के सबको खिला दीजिए, क्या पता उस जामन में थोड़ी सी आप बिष्ठा ही डाल दें तो टेस्ट किसी को नहीं आएगा, खाया तो सब दही है। लेकिन जो इस बात को जानता है वो कहेगा हम सबका धर्म ले लिए बिष्ठा खिला के। इसी तरह से पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई करें जो पढ़ाई मेरा पक्की और वाजिब हो। कहने का मतलब है कि पढ़ने लिखने में मेरा आचरण सन्निहित हो, मेरा सदाचार सन्निहित हो, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। बिना शिक्षा का यह देश आज इस स्तर पे यहाँ तक नहीं पहुँचता, लेकिन आज देख लीजिए यह एक बहुत बड़ा विज्ञान का देन है, पढ़े लिखे का देन है। इसलिए सज्जनों, तो चलिए आज के इस तारीख में जो दो शब्द कबीर से मैं लाया पैंचा मांग के आप लोगों के सामने, जैसे कहते हैं।